हम केसर मावा मोदक की सामग्री देख लेंगे। यहाँ पे है मावा या खोआ, ये 1 कप है, और ये मावा मैंने घर पे बनाया है मिल्क पाउडर से। आप इसका वीडियो देख सकते हैं जो मैंने पहले अपलोड किया हुआ है, और लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है। ये है पिसी हुई चीनी, चीनी का पाउडर है ये। ये अभी मैंने आधा कप लिया है, लेकिन बाद में अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम इसे कम ज़्यादा कर लेंगे। ये है केशर, इसे मैंने 1 टेबलस्पून दूध में घोल लिया है। कुछ 10 से 15 केशर है इसमें। और यहाँ है इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून। आप यहाँ देख सकते हो एक पैन में मैंने खोआ डाल लिया है, और इसमें अब मैं केशर वाला ये दूध मिलाऊंगी, और इसे हमें अब लगातार चलाना है और अच्छे से फ्राई करना है। इसकी गुठलियाँ हमें तोड़ देनी है। आप यहाँ देख सकते हो मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, और इसे हमें मसल मसल के फ्राई करना है। और एक बात ध्यान रखें कि आपका गैस बहुत ही धीमा होना चाहिए। हमारा ये मिश्रण भून के तैयार है, और इसमें अब मैं डालूँगी इलायची का पाउडर, और हम फिर से इसे मिक्स करेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये मावा हमने मिल्क पाउडर से बनाया है, इसलिए इसे भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता, ये जल्दी से हो जाता है पेड़े या मोदक बनाने के लिए। लेकिन अगर आप बाज़ार का मावा लाएंगे जो दूध से बना होता है, उससे ज़रा भूनने में थोड़ा समय लग जाता है। तो मैंने हमारा ये मिश्रण प्लेट में निकाल लिया है, और ये थोड़ा गर्म है, और आप देख सकते हो कितना अच्छा केशर का रंग आ गया है। इसमें आप आपके स्वादानुसार या इच्छानुसार ड्राई फ्रूट्स की पाउडर भी डाल सकते हो। हमारा अब ये मिश्रण थोड़ा गुनगुना हो गया है, और अब इसे मैं हाथ से अच्छे से मसलूंगी। जिससे हमारा टेक्सचर और अच्छा होगा और हमारे ये मोदक सॉफ्ट भी हो जाएंगे। इसमें अब मैं पिसी हुई चीनी मिला रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे मिक्स करना है, एक साथ चीनी ना डाले। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, जब हमारा ये मिक्सचर थोड़ा हल्का गुनगुना हो तभी हमें इसमें पिसी हुई चीनी मिलानी है, ये ठंडा होने के बाद नहीं। अगर ये थोड़ा गुनगुना होगा तो हमारी चीनी इसमें अच्छे से मिल जाएगी। आप यहाँ देख सकते हो हमारा ये मिश्रण बन के तैयार है, और अब हम इसके मोदक बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ये मोदक का मोल्ड है, और इसमें अब मैं थोड़ा घी लगा लूँगी। घी लगाने के बाद इस मिश्रण का मैंने ऐसे पेड़ा बना लिया है, और इसे मैं अब यहाँ पे रख लूँगी, और इसे अब हम हल्के हाथ से बंद करेंगे और इसे दबा लेंगे अच्छे से, जिससे हमारा मोदक बन जाएगा। एक्स्ट्रा का मिश्रण निकाल लीजिए यहाँ से भी, इसे हमें अच्छे से दबाना है जिससे हमारा मोदक का शेप बन जाए। और अब हम इसे धीरे से खोलेंगे। अब देख सकते हो हमारा कितना अच्छा मोदक बन के तैयार है, ऐसे ही हम सभी मोदक बना लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे केशर मावा मोदक बन के तैयार है, और ये कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, और स्वाद में भी बहुत ही अच्छे हैं, और इसे आप आसानी से घर पे बना सकते हो। अगर आपके पास मावा नहीं है या खोया नहीं है तो भी आप घर पे मिल्क पाउडर से खोया बना के इन्हें बना सकते हो। अगर आपको किसी के घर गणपति के लिए जाना है तो आप ऐसे मोदक बना के लेके जा सकते हो प्रसाद के तौर पे।